जय हिंद दोस्तों, वंस अगेन आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लोकेश्वर लॉजिक होटल अलीगढ़ में। जैसा कि मेरे प्यारे विद्यार्थी जानते हो, पिछली वीडियो आपने जो देखी उसमें मैंने टाइम एंड डिस्टेंस के उस पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए थे, जब एक या एक से अधिक व्यक्ति एक ही दिशा में चलते हैं। आज हम उन सवालों को उठाएंगे जब एक या एक से अधिक व्यक्ति विपरीत दिशा में चलेंगे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, मैं रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड आपको काम करा रहा हूँ। रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड मैंने दो कंसेप्ट आप लोगों को बताए थे। एक तो करा था बेटा सेम डायरेक्शन वाला, और एक दूसरा है अपोजिट डायरेक्शन। यही है, सेम डायरेक्शन में मैंने कहा था कि टाइम के रेस्पेक्ट में आपको यहाँ डिस्टेंस या बिटवीन डिस्टेंस लिखनी होगी, और एस मने से वेक्टर की सहायता से पढ़ना होगा। इस तरीके से मैंने कराया था, इसकी पूरी वीडियो आप देख चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो ये है बेटा, टाइम की रिकॉर्डिंग की डिस्टेंस या बिटवीन डिस्टेंस। एक व्यक्ति इधर S1 चाल से गया, दूसरा व्यक्ति उधर S2 चाल से आया, जब विपरीत चालें होंगी तो वे चालें हमेशा जुड़ जाएंगी। ये बात हालांकि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका था, लेकिन जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी वो यहीं से देखेंगे। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं विपरीत दिशाओं पर या फिर अपोजिट डायरेक्शन से रिलेटेड। अपोजिट डायरेक्शन पर आपको हमेशा याद रखना होगा, उनके बीच में या तो कोई दूरी दी जाएगी या दूरी बनेगी, क्योंकि कोई पहले आगे चलेगा, ठीक है ना। तो उनके नीचे जब भाग दिया जाएगा वो दोनों के चालों के योग से ही दिया जाएगा। आज हम कुछ बहुत अच्छे और प्रभावशाली क्वेश्चन भी उठाएंगे, जिन्हें आपको बहुत अच्छे और कॉमन सेंस दिमाग से काम करना होगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं आज के पहले सवाल। देखिए बेटा, पहला सवाल है, हम बिल्कुल बेसिक से और स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि पहली बार में हम इतना टफ क्वेश्चन उठा लें कि जहाँ आप डर जाएं। बहुत सिंपल तरीके से सवाल देखेंगे आज का, कि दो स्थान ए तथा बी के बीच की दूरी 360 किलोमीटर है, ठीक है ना। देयर आर टू पॉइंट्स एंड बिटवीन ए एंड बी द डिस्टेंस इज गिवन 360 किलोमीटर। अब कह रहा है व्यक्ति पी ए से बी की ओर 25 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, तथा व्यक्ति क्यू बी से ए की ओर 35 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद दोनों मिल जाएंगे। शायद इससे इजी क्वेश्चन नहीं होगा, तो आपको सबसे पहले समय बाद ही पूछ रहा है कितने समय बाद। तो टाइम है जब विपरीत चलते हैं, तो हमने कहा था कि आपसे कि बिटवीन डिस्टेंस देखनी है। क्या देखनी है बेटा? बिटवीन डिस्टेंस। और S1 में कौन सी चाल जोड़नी है? S2। ये इधर से चला और वो उधर से चला, यही क्वेश्चन है हमारे पास। तो अब हमें इतना बता दें आप अल्टीमेटली कि ये बिंदु A है और ये बिंदु कौन है? B। इनके बीच में बेटा कितनी दूरी है बच्चे? 360 किलोमीटर। एक व्यक्ति P है जो यहाँ से इस तरफ चला, और कितनी चाल से चला बताओ? 25 किलोमीटर पर आवर से। एक व्यक्ति क्यू है जो उधर से इधर चला, और किस चाल से चला? 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ये स्टेटस है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपको बताएगा ऊपर 360 ले लिया जाएगा और नीचे दोनों की चालें जुड़ जाएंगी, कारण कि दोनों विपरीत दिशाओं से चले थे। तो विपरीत दिशाओं के लिए 25 और 35 दोनों को जोड़ लिया जाएगा, तो कितना आ जाएगा बताओ? 60 किलोमीटर पर आवर, यही होगा। और जब इनसे काट देंगे तो कितने टाइम पर कट जाएगा भाई, ये बोलो? कितने आवर में कट जाएगा? 6 आवर। कोई प्रॉब्लम नहीं, पहली बात। एक बात मैं इसी क्वेश्चन में और बताना चाहता हूँ, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ठीक। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप एक पॉइंट और समझेंगे कि ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में, बहुत सिंपल तरीके से, कि तुमसे वो क्वेश्चन ये पूछ लेता बेटा कि वे दोनों ए से कितनी दूरी पर मिले। जैसा कि पिछले सवालों पर देखा है,
तो मैं इसे यहाँ से सेंटेंस चेंज कर रहा हूँ, तो बताएं दोनों की मुलाकात ए से कितनी दूर हुई। बात समझ रहे हैं ना? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये बिंदु ए है और ये बिंदु कौन है, बी, तो ए की तरफ से कौन चला था बेटा, पी, और बी की तरफ से कौन चला था, क्यू। बात समझ रहे हैं? तो भाई एक बताओ, जहाँ पर पी मिल गया होगा वहीं तो मुलाकात हुई होगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो हमें बस यही समझना होगा कि पी की चाल और पी का जो समय है, अगर हम उसका गुणा कर दें तो वो ए से दूर की डिस्टेंस बता देगा। लेकिन हमें एक ही चाल तो बताए, लेकिन ए का क्या नहीं पता, समय। जब दोनों एक ही टाइम पर चले थे तो टाइम तो बराबर ही आएगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन में टाइम के बराबर डिस्टेंस ओवर एस वन प्लस एस टू, ये तो करना ही पड़ेगा आपको हर कीमत पर। अभी अभी आपने इसका सॉल्यूशन किया है कि 360 ओवर कितना कर दिया है, 60, दोनों चालें जोड़ के 6 घंटे हो गए, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अब ये देखना पड़ेगा कि पी की जो चाल थी, इधर से चल रहे थे हम, 25 किलोमीटर कितना था पर आवर। अब बताओ जरा, 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से 6 घंटे में तय की गई दूरी कितने किलोमीटर हो गई, 150 किलोमीटर। इसका मतलब साफ हो जाता है कि दोनों की मुलाकात ए से कितनी दूरी पर हुई होंगी, 150 किलोमीटर की दूरी पर। मेनली यही क्वेश्चन इसका एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, समझ रहे हैं ना? तो आप उसका सब पार्ट बना लेना, वो पहला क्वेश्चन था हमारे लिए, ये दूसरा क्वेश्चन है एक ही लैंग्वेज पर, तो ये बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर तुमसे पूछा जाता है कि बी से कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो बी की ओर से कौन चला था, क्यू, तो यहाँ बेटा 35 का मल्टीप्लाई 6 में कर देते तो कितने किलोमीटर आ जाता, 210 किलोमीटर। बात फाइनल हो गई ना, अल्टीमेट। चलिए अब हम मिलते हैं दूसरे सवाल से, इसका पहला भी स्क्रीनशॉट ले लेना। देखेंगे बेटा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सवाल आज की वीडियो में। ये दूसरा क्वेश्चन है और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल मानता हूँ मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल, मतलब छोटे पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा कुछ नहीं है ये कि बड़े पेपर में ना आ सके, क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है। देखेंगे सवाल, दिल्ली व जयपुर से दो बस एक दूसरे की ओर एक ही समय पर क्रमशः 70 किलोमीटर पर आवर व 85 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना प्रारंभ करती हैं। इसका कहने का मतलब है कि एक बस दिल्ली से जयपुर के लिए चली और एक बस जयपुर से दिल्ली के लिए चली, और एक ही टाइम पर दोनों स्टार्ट हुई और उनकी चालों का जो चालें बताई हैं वो बताई हैं 70 किलोमीटर पर आवर और 85 किलोमीटर पर आवर। बात ठीक है, इस तरीके की चालें बताई। यदि रास्ते में बिंदु क्यू पर मिलने तक तेज़ गति वाली बस धीमी गति वाली बस से 150 किलोमीटर की दूरी अधिक तय कर ले, तो बताएं दिल्ली व जयपुर के बीच की दूरी क्या है। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत शानदार, और ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। मुझे तो ये लगता है कि सवाल के अंदर पेन की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक चीज़ तो आपको समझनी पड़ेगी कि मैं मान लेता हूँ कि एक बस तो बेटा ए है और एक बस हमारी क्या है, बी है। अब ऐसे समझो, इस बस की चाल है 70 किलोमीटर पर आवर, पर आवर का मतलब है प्रति एक घंटे में, और इसकी चाल है बेटा 85 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 85 किलोमीटर प्रति एक घंटे में। तो अब एक बात बताओ मुझे यहाँ से कि ये तो चलती है 85 किलोमीटर और ये चलती है 70 किलोमीटर, तो इनमें कौन सी बस ज़्यादा चल रही होगी, दूसरी वाली। इसका मतलब क्या है कि ये बस तो हमारी इधर से चली होगी और वो बस चली होगी उधर से। तो अब यहाँ से एक बात तय हो जाती है कि एक घंटे में चली गई अधिक दूरी, तो आप कहते हैं सब 15 किलोमीटर, यही तो है 15 किलोमीटर प्रति एक घंटे में ज़्यादा तय की। लेकिन अब बताना ये दूरी कितनी है बेटा, 150 किलोमीटर ज़्यादा तय की है। तो मैं यही तो कहता हूँ कि इतनी दूरी कितनी बार में तय की गई होगी, 10 घंटे में। इसका मतलब है कि 10 घंटे में तय की गई अधिक दूरी अब निकल कर आई कितने किलोमीटर बेटा, 150 किलोमीटर। बात फाइनल है,
एक घंटे में 15 किलोमीटर ज़्यादा है तो कितने घंटे में वो 150 किलोमीटर ज़्यादा चलेगा? आपने कहा सर 10 घंटे में ज़्यादा चलेगा। तो अब तो बहुत साफ साफ सवाल हो जाता है कि जब दोनों विपरीत दिशाओं में चलें तो टाइम यहाँ होता है, यहाँ डिस्टेंस होती है और इनके नीचे S1 होता है और दोनों S2 जुड़ जाते हैं, यही वाली बात होती है, ये फाइनल है। आपके पास है रिक्वायरमेंट में टाइम कितने घंटे, 10। अगर इन दोनों चालों का गुणा मैं यहाँ कर दूँ तो ये बराबर किसके हो जाएगा, डिस्टेंस के होगा। एक चाल 70 है और एक चाल कितनी है बेटा, बोलो ना, 85। दोनों चालों को जब जोड़ देंगे तो चाल आ जाएंगी कितनी बेटा, 155 किलोमीटर पर आवर, यही होगा। 10 का गुणा कर देंगे तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितने किलोमीटर आ जाएगी, बोल दो भैया, 1550 किलोमीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर था जो आपसे पूछा गया है। तो दो चीज़ें इसमें विशेष ध्यान रखने वाली होंगी। सबसे पहले ये देखना होगा कि एक घंटे में दोनों बसों में से कौन सी बस ज़्यादा दूरी तय करती है। तो आपने कहा एक घंटे में बस बी द्वारा अधिक चली गई दूरी है 15 किलोमीटर, तो कितने घंटों में वो 150 किलोमीटर की दूरी अधिक तय करेगा। तो आपने कहा एक घंटे में 15, तो 150 किलोमीटर 10 घंटे में, तो 10 घंटे तक बस दिल्ली से जयपुर वाली भी चली और जयपुर से दिल्ली वाली भी, तो दोनों की चालों का योग कर देंगे क्योंकि दोनों विपरीत पोजीशन में चल रहे हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो बेटा S1 + S2 यानी 70 + 85 ऐड कर देंगे, 155 आ जाएगा, और 155 को मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो ओवर डिस्टेंस बिटवीन जयपुर टू दिल्ली आ जाएगी हमारी कितनी, 1550 किलोमीटर। बात फाइनल है। चलिए एक और सवाल देखेंगे, बढ़िया वाला क्या देखेंगे बेटा, थोड़ा सा लंबा सा क्वेश्चन है, लेकिन जो हमारे दो टाइप हैं, एक ही दिशा में जाना और विपरीत दिशा में जाना, दोनों को कंबाइन करके एक आपकी मूल प्रैक्टिस एक सिर्फ एक अकेले क्वेश्चन में हो जाएगी, जो मेरी अपनी सोच है कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने चाहिए, तभी पता चलेगा कि सही मायने में पेपर की प्रिपरेशन कैसे हो रही है। एक सवाल है कि एक चोर सुबह 3 बजे चोरी कर कर 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से भागा, एक घंटे बाद थाने की पुलिस 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चोर के पीछे भागी। पीछे भागने का मतलब है अब तो दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं। पुलिस के एक घंटे बाद अखबार वाले 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से उनके पीछे भागे, यानी उन्हें खबर चाहिए, बताओ आज की खबर क्या है। पुलिस ने चोर को पकड़ा तथा उसी रास्ते से 7 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस थाने की ओर प्रस्थान किया, तो बताएं रास्ते में अखबार वाले वो पुलिस की मुलाकात कितने बजे होगी। तो सवाल बहुत बढ़िया है और बहुत ही शानदार है, ठीक है ना। क्वेश्चन एक बार नोट कर लो आप, फिर हम चलते हैं, ठीक है बेटा। पहला सवाल, सबसे पहले तो यहाँ बात है बेटा 3 o'clock की, समझ लेना। और सबसे पहले कौन भागा यहाँ से, चोर, और चोर की चाल कितनी भैया, 3 किलोमीटर पर आवर, पहले पॉइंट में आप समझ लेना, सारी बातें यहाँ से होती रहेंगी। लेकिन अब एक बताओ कि पता कितने बजे चला पुलिस को, एक घंटे बाद, या पुलिस कितने बजे गई, एक घंटे बाद। तो इसका मतलब है कि एक घंटे में चोर द्वारा चली गई दूरी, यानी यहाँ सवाल क्या होगा बेटा, अब यहाँ सवाल होगा कि इसका मतलब है कि जो पुलिस है हमारी वो कितने बजे गई होगी, 4 बजे, भाई तभी तो एक घंटा आ जाएगा। अब पुलिस की जो चाल है वो है बेटा 4 किलोमीटर पर आवर, यहाँ तक बात फाइनल है। तो एक बात बता दो मुझे यहाँ से कि ये एक घंटे में कितनी दूर जा चुका होगा, 3 किलोमीटर, कितना जा चुका होगा, 3 किलोमीटर। अब 4 बजे पुलिस को पता चला और पुलिस कितने बजे की, कितने की चाल से भागी, 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। तो अब आप एक तरीके से देखेंगे कि यहाँ से भागने वाली चाल है 3 किलोमीटर पर आवर और इसके बाद, सॉरी, यहाँ पुलिस है अब तो 4 किलोमीटर पर आवर और यहाँ से चोर भाग रहा है 3 किलोमीटर पर आवर से। तो आपको बताया कि 4 और 3 का अंतर कितना आ गया, 1 किलोमीटर पर आवर। जब 1 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागेगा तो 3 किलोमीटर को पार करने में लिया गया समय कितना होगा, 3 घंटे, कितने घंटे, 3 घंटे। इसका मतलब क्या है कि चोर ने जहाँ पकड़ा होगा पुलिस को वहाँ 3 किलोमीटर 3 घंटे में 4 की चाल से दूरी कितने किलोमीटर हो गई होगी, 12 किलोमीटर,
क्योंकि बेटा 3 घंटे तो पुलिस को लगे हैं ना, 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 3 घंटे में पुलिस द्वारा तय की गई दूरी कितने किलोमीटर हो गई, 12 किलोमीटर। यानी कि इस जगह पर अब मुलाकात हो गई होगी किसकी, चोर की और पुलिस की। अब 1 घंटे बाद कौन चला, 5 o'clock पर कौन चला भैया, 5 o'clock पर कौन चला बताइए, 5 o'clock पर कौन चला, 5 बजे चले अखबार वाले। एक बार और समझाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा चीज़ चलते रहिए। अखबार वालों की चाल बेटा कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन एक बात बताओ मुझे यहाँ से कि चोर पुलिस की मुलाकात कितने बजे हुई, चोर प्लस पुलिस, चोर प्लस पुलिस का टाइमिंग क्या है, आपने कहा सर 4 बजने के 3 घंटे बाद, यानी कि इनकी मुलाकात कितने बजे हुई, 7 o'clock। अब मुझे एक बात बताओ, जब चोर पुलिस 7 बजे मिले और अखबार वाले कितने बजे चले गए, 5 बजे, तो इसका मतलब है कि ये भी 7 बजे तक चलते रहे होंगे। आपने कहा वेरी करेक्ट सर, बात सही है। तो आप मुझे बताओ कि 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 5 से 7 बजे तक, यानी 7 o'clock तक इनके द्वारा कितनी दूरी तय की जा चुकी होगी, 2 घंटे में 10 किलोमीटर। अब यहाँ से हो गया 10 किलोमीटर, तो ये पार हो चुके हैं, लेकिन ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, 12 किलोमीटर। तो अब बीच में बची कितनी, 2 किलोमीटर। इधर से अखबार वाले चले गए और इनकी चाल है 5 किलोमीटर पर आवर। उधर से कौन चला, पुलिस वाला, लेकिन पुलिस वालों की चाल बदल के कितनी होगी बेटा, 7 किलोमीटर पर आवर। तो अब उधर से चलेंगे ये 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो वहाँ तक तो सापेक्ष दूरी पर आधारित था, यहाँ विपरीत चीज़ें आ गई। तो इस 2 किलोमीटर को 7 बजने के बाद 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करेंगे। इसका मतलब क्या है कि टाइम बराबर हो जाएगा 2/12। मैं यहाँ 60 का गुणा कर दूँ, कर सकता हूँ, 2 से देखो 6 बार और 6 से कट गया 10 बार, तो कितने मिनट हो गए, 10 मिनट। इसका मतलब क्या है कि अखबार और पुलिस की जब मुलाकात होगी, अखबार वाले और पुलिस की जो मुलाकात होगी वो बेटा कितने बजे पर होगी, 7:10 पर। कितने बजे होगी मुलाकात, 7:10 पर। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं क्वेश्चन को प्रिंटेड समझा रहा हूँ। ले लिया, हाँ जी। देखिए पेन की ज़रूरत ही नहीं थी, विदाउट पेन का सवाल है ये। सबसे पहले कौन भागा आप बताओ, सबसे पहले चोर भागा, कितनी चाल से, 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। जब तक पुलिस नहीं चली जब तक तो चोर भागता रहा, बोले जी हाँ। 1 घंटे में चोर कितनी दूर भाग गया, 3 किलोमीटर। अब उस 3 किलोमीटर को कौन कवर करेगा, पुलिस। आपने कहा जी हाँ। पुलिस की चाल कितनी है, 4। चोर रुक थोड़ी गया है, चोर भी भाग रहा है, पुलिस भी भाग रही है। चोर की चाल 3 है और पुलिस की चाल 4 है, जब दोनों एक ही दिशा में भागते हैं तो चालें घट जाती हैं। आपने कहा जी बिल्कुल। तो उस 3 किलोमीटर को 1 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करने में लिया गया समय कितने घंटे हो गए, 3। इसका मतलब पुलिस को चोरों को पकड़ने के लिए 3 घंटे भागना पड़ा। यहाँ तक बात सही है ना भाई, 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 1 घंटे में तय की गई दूरी कितनी, 3 किलोमीटर। यहाँ से पुलिस भाग रही और यहाँ से चोर भाग रहा है, तो दोनों के द्वारा एक दूसरे को पकड़ने में लिया गया समय कितना, 3। 3 घंटे तक कौन भागी, पुलिस। और 3 घंटे तक जब पुलिस भागी तो 1 घंटे में पुलिस कितनी दूरी तय करती है, 4 किलोमीटर। तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय कर ली, 12 किलोमीटर। इसका मतलब है चोरी के स्थान से पुलिस के चोर पकड़ने तक तय की गई दूरी 12 किलोमीटर है। लेकिन अब आप देखें 4 बजे ये चले थे, ये 5 बजे चले, तो 3 घंटे तक पुलिस को चलना पड़ा, यानी पुलिस 7 बजे जाकर चोर को पकड़ पाई। जब यहाँ 7 घड़ी में बज चुके होंगे तो अखबार वालों की घड़ी में भी तो 7 ही बजे होंगे। अखबार वालों की गति कितनी, 5 किलोमीटर पर घंटे में, तो उन्होंने तो 2 ही घंटे दूरी तय की क्योंकि वो 5 बजे चले थे, यानी कि वो 10 किलोमीटर जा चुके हैं। देखो 10 किलोमीटर यहाँ तक आ गए। अखबार वाले तो अपनी इसी दिशा में चलते रहेंगे, लेकिन पुलिस वापस आएगी। और पुलिस किस गति से वापस आ रही है, अब तो चोर पकड़ लिया तो भाई भाई हो गई, अब थोड़ी है कि भालू को पुलिस चोर बनाना पड़ रहा है, अब तो चोरी को चोर पकड़ लिया गया है। तो चोरों को पकड़ के पुलिस अति उत्साहित है और 7 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस आ रही है। तो इधर से ये 5 से जा रहे हैं, इधर से 7 से जा रहे हैं, लेकिन दूरी डिस्टेंस बिटवीन कितनी रह जाएगी, 2 किलोमीटर। तो यही बीच की दूरी लेनी है, ऐसा ना हो कि 12 ले लो और 1 घंटा बाद कहो 8 बजे मिलेंगे तो पता नहीं कहाँ मिलेंगे, जन्नत में या कहीं और। तो 2/12 x 60 जब कर देंगे तो 10 मिनट, लेकिन ये कितने समय बाद,
कितने समय बाद? 7 बजने के बाद। तो उनकी मुलाकात कितने बजे हो जाएगी बेटा? 7:10 पर, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, स्क्रीनशॉट ले देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, मैं दावा तो नहीं करता लेकिन मुझे इतना यकीन है कि ये सवाल शायद आज से पहले आपने ना देखा हो, लेकिन जो बहुत ही बुकवार में है, जिन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, उनसे मैं ये ज़रूर उम्मीद कर सकता हूँ कि उन्होंने कभी न कभी ये क्वेश्चन ज़रूर देखा होगा। तो लेकिन हमें तो सभी को समझाना है, तो क्वेश्चन देखते हैं ज़रा क्या है। ए तथा बी के बीच की दूरी 650 किलोमीटर है। एक साइकिल सवार ए से बी की ओर इस तरह जाता है कि पहले घंटे 11 किलोमीटर, दूसरे घंटे 15 किलोमीटर, तीसरे घंटे 19 किलोमीटर तथा चौथे घंटे 23 किलोमीटर। इसी तरह वो आगे बढ़ता रहता है। उसी समय एक दूसरा साइकिल सवार बी से ए की तरफ पहले घंटे 63 किलोमीटर, दूसरे घंटे 57 किलोमीटर, तीसरे घंटे 51 किलोमीटर, चौथे घंटे 45 किलोमीटर, इसी तरह वो आगे बढ़ता रहता है। तो बताएं उनके चलने के कितने घंटे बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। बहुत शानदार, बहुत ही जानदार और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज़ आपको समझनी होगी, जो बच्चे सीरीज़ नहीं जानते उनके लिए बड़ा घातक है मैथ समझना और बड़ी पोस्ट लेना। सिपाही सुर्रा बनना कोई बड़ा काम नहीं है, वो तो फिर आराम से आदमी बन ही जाता है, उसमें इतनी चीज़ें टफ नहीं आती। लेकिन अगर आपका सपना इंस्पेक्टर बनना है, सब इंस्पेक्टर बनना है, या बैंक में कोई ऑफिसर बनना है, या रेलवे के अच्छे एग्ज़ाम में कोई प्रिपरेशन करनी, तो आपको सब कुछ आना चाहिए। देखिए सवाल इस तरीके से है, आपको समझना होगा कि आपके पास हुआ क्या। देखिए इतना समझना पड़ेगा कि पहले घंटे में आदमी D1 दूरी यहाँ से तय करेगा और दूसरा व्यक्ति D2 दूरी यहाँ से तय करेगा। इसका मतलब क्या है कि पहले घंटे में इसके द्वारा तय की गई दूरी और इसके द्वारा तय की गई दूरी, दोनों दूरियों को जोड़ा जाएगा, तभी तो वो दूरी क्रॉस होगी। नहीं आ रहा समझ में? ऐसे देखें, आप ऐसे समझेंगे कि पहले घंटे में इस व्यक्ति के द्वारा जो ए की तरफ से गया है, इस तरफ से पहले आवर में यहाँ क्या हुआ? आपने कहा सर इधर से चला 11 किलोमीटर, तो एक बताओ उधर से चलने वाला जो व्यक्ति है, जो बी की तरफ से चला है, वो कितने किलोमीटर चल रहा है बेटा? वो चल रहा है 61 किलोमीटर। तो अब एक बात बताओ, एक ही घंटे में तो ये दोनों दूरियां तय की गई होंगी, 63 है, चलो 63 ले लेते हैं, एक ही घंटे में तो तय की गई दूरी है। इसका मतलब है फाइनल अगर मैं देखूं तो सबसे पहले घंटे में चली गई दूरी कितनी है? 74। फिर अगले एक घंटे में क्या हुआ भैया? इधर तो चली गई 15 किलोमीटर की दूरी और उधर चली गई 57 किलोमीटर की दूरी, तो दूसरे घंटे में तय की गई दूरी कितनी है? 72 किलोमीटर। यही तो है। अब तीसरे घंटे में आप देखिएगा ज़रा, तीसरे घंटे में जब चले जाएंगे तो यहाँ वाला जो व्यक्ति है वो तो कर रहा है 19 किलोमीटर की दूरी तय, और ये व्यक्ति कर रहा होगा 51 किलोमीटर की दूरी तय। तो अब बताना जरा 19 और 51 कितने होते हैं? 19 51 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 70 किलोमीटर की दूरी तय। बेटा चौथे घंटे में जब आएंगे, क्योंकि दोनों विपरीत चल रहे हैं, तो एक ही घंटे में दो दूरियां कवर होंगी। अब ये चलेगा आदमी कितना? 23 किलोमीटर और ये चलेगा 45 किलोमीटर। तो अब बताना जरा यहाँ से दोनों के द्वारा कितनी दूरी तय की गई बेटा? 23 45 कितना होता है? 68 किलोमीटर। यही है। तो अब एक चीज़ आपको समझनी होगी कि ये भी एक घंटे की दूरी है, ये पहले घंटे की दूरी, ये दूसरे घंटे की दूरी, ये तीसरे घंटे की, ये चौथे घंटे की, डॉट 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 इसी क्रम में आगे चला जाएंगे। तो मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि आखिर कितने घंटों में ऐसी दूरियों का योग 650 किलोमीटर होगा? यही तो एक सवाल है। तो ऐसे सवाल तो आपको समझना होगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये सीरीज बेटा किसको इंडिकेट कर रही है? एपी को। जब ये एपी को कर रही है तो आप देख रहे हैं 74 से 72, 72 से 70, 70 से 78, तो -2 जो है वो डिफरेंस है, यानी यूनिवर्सल डिफरेंस आ गया, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा, आप इसे समझ लेना। यहाँ आप इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इसके लिए एक स्टार टर्म है कि प्रत्येक घंटे में दोनों व्यक्तियों द्वारा चली गई कुल दूरी ही निकालनी होगी, क्योंकि बेटा वो दोनों विपरीत चल रहे हैं, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले।
अब जब स्क्रीनशॉट के बाद में हम यहाँ से आगे चलेंगे तो आप पाएंगे क्वेश्चन में कि एपी में आप जानते हो हमारे पास क्या होता है, एपी के अंदर जो सम निकाले जाते हैं तो एस एन के बराबर क्या होता है, एन वाई टू ब्रैकेट के अंदर टू ए और यहाँ एन माइनस वन, यही होता है, यहाँ प्लस लगा देंगे एन माइनस वन और एन टू क्या होता है हमारा डी। अब हमारे पास अभी फॉर्मेट में आपको पता चला कि माना वो एन घंटे बाद मिलेंगे, लेकिन एस एन यानी सम ऑफ डिस्टेंस कितना है, ये है बेटा 650 किलोमीटर, माना एन घंटे बाद मिलेंगे एन वाई टू हो जाएगा, या टी घंटे बाद मिलेंगे 2 × 74 क्यों है, क्योंकि उस सीरीज़ का पहला डिस्टेंस 74 है, फिर 72 है, फिर 70 है, 68 है, डॉट डॉट यही चल रहा है। चलो जी, अब यहाँ से हमने प्लस ले लिया, एन माइनस वन इंटू टू माइनस का रहेगा, सही है भैया, इसको इधर ले लो, 650 इंटू दो, मैंने एक दिन और भी कहा था तुम लोगों से, या है ना, ठीक है ना, तो ये 74 दूनी कितना हो जाएगा 148, प्लस दो का गुणा कर दो, यहाँ माइनस टू एन हो जाएगा और प्लस के हो जाएंगे दो, सही है भैया, दो को और जोड़ दो 150 हो गया, 650 इंटू टू बराबर 150 एन माइनस के टू एन स्क्वायर। तो एक काम कर लो, अब या तो तुम इस क्वेश्चन को यहीं से ऑप्शन की सहायता से सॉल्व कर लो, ऑप्शन की सहायता से कैसे, इसे दो दो कैंसिल कर दो, यहाँ से 75 बार कट जाएगा, यानी कि आप इसे लिख सकते हो क्या, एन स्क्वायर माइनस के 75 एन और प्लस के 650 बराबर क्या, जीरो। तो अगर मान लीजिए आप यहाँ 6 रखने चले जाएँ, आप कर ही लो, करना क्या है, अब आप दो ऐसी संख्याएँ ले लो जिनका गुणा करें तो आ जाए 665 और जोड़ें घटाएं तो कितना आ जाए, कितना आ जाए 75। तो बताओ ऐसी संख्याएं कौन सी हैं, तो मेरे हिसाब से तो संख्याएं जो हमारी ऐसी आनी चाहिए, माइनस के बताया जा रहा 650 ही है ना, अब देखो ऑप्शन की सहायता से तो मुझे इसका आंसर 10 सीधा नज़र आ रहा है, जैसे 10 यहाँ रखेंगे तो 10 का वर्ग हो जाएगा 100 और यहाँ हो जाएगा 750 और ये प्लस के आ रहा है 650, तो बराबर किसको हो जाएगा, जीरो के, तो इसका आंसर तो आ गया 10। लेकिन द्विघात समीकरण में आप सॉल्व करके देख लीजिएगा कि जब आप जोड़ें घटाएं तो इनका माइनस अल्फा प्लस बीटा तो 75 आ जाए और यहाँ हो जाए अल्फा इंटू बीटा जो कितना आ जाए 650। तो अब आप देखेंगे ऐसी कौन कौन सी संख्याएँ हमारी जो बना सकती हैं, हाँ जी, ठीक है ना बेटा, अभी चलो इसे सॉल्व करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है ना बेटा, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो अगर हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से ही सॉल्व करें तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, एन स्क्वायर, यहाँ माइनस के हम कर देंगे 10 एन, ठीक है ना, और यहाँ माइनस के कर दो बेटा 65 एन और ये प्लस के हो गए 650। आप समझ गए नहीं, क्योंकि बेटा जब 10 और 65 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 650, लेकिन जोड़ेंगे तो माइनस 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 ही रहेगा, तो एक एन की वैल्यू तो हो जाएगी बेटा हमारे पास 10 आवर और एक एन की वैल्यू हो जाएगी 65 घंटे, 65 ऑप्शन में नहीं है तो ये गलत है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा 10 घंटे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, मेरी तरफ से मैं सिर्फ वेरी गुड का आंसर देता हूँ, ये बहुत बढ़िया सवाल है, जैसे एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं एक और सवाल के साथ, आप भी कहेंगे कि कुछ, चलिए मिलते हैं बेटा इस क्वेश्चन के साथ। देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़िए, आपको जितने भी चाहे यूट्यूब पर पढ़ाने वाले टीचर हैं, चाहे ऑफलाइन पढ़ाने वाले टीचर हैं, चाहे ऑनलाइन पढ़ाने वाले टीचर हैं, सभी का डेटा बेटा किताबों में ही छुपा होता है, क्योंकि हम हों या कोई और टीचर हों सभी किताबें ही पढ़ते हैं, बस फ़र्क इतना होता है कि कोई टीचर उस किताब को जल्दी पढ़ लेता है और कोई टीचर उस किताब को कुछ दिन बाद पढ़ता है, जो बाद पढ़ता है तो उसे लगता है कि बहुत अच्छा सवाल था, और जो पहले ही पढ़ लेता है वो कहता है इसमें कोई खास नहीं था क्योंकि उसने वो पढ़ लिया है। सवाल देखिए, एक लड़का अपने घर से प्रत्येक दिन अपने पिताजी को ऑफिस लेने के लिए जाता है,
ऑफिस लेने के लिए 3:30 बजे ऑफिस पहुंचता है, यानी पापा को ऑफिस 3:30 बजे छोड़ता है, वो गेट पे मिलता है दरवाजे पे अपनी फरारी लेके। एक दिन ऑफिस की छुट्टी 2:30 बजे हो गई तथा पिताजी 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से घर की ओर रवाना हो गए, ठीक है ना, 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से रवाना हुए। यानी पापा जब बोले अब मैं क्या करूँगा, चलो पैदल ही पैदल निकलता हूँ, लड़का बीच में मिल जाएगा, लड़का उन्हें रास्ते में मिला और वापस घर की ओर चला। यदि आज लड़का वह पिताजी नियत समय से 24 मिनट पहले ही घर पहुंच गए हों, यानी कि जिस टाइम पर वो पहुंचते थे उससे बेटा वो 24 मिनट पहले ही पहुंच गए हों, तो बताएं लड़के की चाल क्या है। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन और था कि एक लड़का अपने पिताजी को रोज़ ऑफिस लेने के लिए पहुंचता, इसी क्वेश्चन की कॉपी करके वो सवाल बनाया गया। बेसिकली ओरिजिनल यही क्वेश्चन एक बुक में लिखा गया था, आशीष कुमार पांडे जी हैं जो एम सी ग्रेवाल हिल के लिए लिखते हैं, उस बुक में ये ओरिजिनल क्वेश्चन लिखा था। और कई राइटर्स, मैंने कहा जो पहले पढ़ लेता है वो बड़ा टीचर बन जाता है, जो पीछे पढ़ता है वो छोटा टीचर बन जाता है। तो बिकम चलुआ वेरी सिंपल है कि आप ज़्यादा पढ़िए तो ज़्यादा योग्य हो जाएंगे, क्योंकि किताबों का ही खेल है सारा। अब सवाल में ये देखना है बेटा कि मैंने कहा उस आदमी का ये होम है, ये घर है जहाँ वो रहता है, और ये है उस आदमी का ऑफिस। एक दिन की क्या रोज की बात है कि आम तौर पर वो आदमी 3:30 बजे अपने ऑफिस से निकलता है, बात फाइनल है। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उस आदमी की छुट्टी बेटा कितने बजे हो गई, 2:30 बजे। तो अब कितने बजे हो गई, 2:30 बजे, तो इसका मतलब है छुट्टी कितने घंटे पहले हुई, 1 घंटे पहले। अब पिताजी ने क्या किया कि यहाँ से धीरे 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 इस तरफ चलना शुरू कर दिया। अब मान लो ये वो पॉइंट है जहाँ पर उस लड़के की और उसके पिताजी की मुलाकात हुई। अब यहाँ से दोनों आए और इस तरीके से अपने घर पर आ गए, लेकिन आज उन्होंने देखा कि उन्होंने बेटा यहाँ से कितने मिनट सेव कर लिए हैं, दे सेव 24 मिनट, ऐसा बोला है। उन्होंने कितना समय की बचत कर ली, 24 मिनट। अब ये 24 मिनट की बचत आखिरकार क्यों हुई, ये सोचना है इस सवाल में। अब हम कहेंगे सर 24 मिनट की बचत इसलिए हुई कि अगर पिताजी की छुट्टी 3:30 बजे हुई होती तो लड़का यहाँ पहुँचता और लड़का यहाँ वापस आता, बात फाइनल है। अच्छा, जब लड़का यहाँ से यहाँ पहुँचता तो उसकी घड़ी में कितने बजने चाहिए थे, 3:30, तो पापा बाहर मिल जाते। लेकिन सवाल ये बनता है कि उसका जो बचत हुई है आने और जाने में, यानी कि यहाँ से पहुँचने का टाइम और यहाँ से आने का टाइम जो है वो तो बराबर ही होना चाहिए, क्योंकि चाल तो उसकी हर कीमत पे समान रहती है। तो मैं ये कह दूंगा यहाँ से कि जब वो व्यक्ति इधर गया और यहाँ से इधर आया, आज वो नहीं, मैंने माना यहाँ तक जाने में लिया गया टाइम टी था, तो आखिरकार आज उसने 2 टी बचा लिए, और ये बराबर है बेटा कितने मिनट के, 24। तो एक बार के जाने का टाइम कितना हो गया, 12 मिनट। यानी कि वो व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, उसे कितनी देर में तय कर लेता, बोलो भाई कितनी देर में तय कर लेता, 12 मिनट में। जब वो 12 मिनट में तय कर लेता तो उसकी घड़ी में फिक्स कितने बज जाते, 3:30। तो इसका मतलब पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि आखिरकार यहाँ टाइम क्या था जब उनकी मुलाकात हुई। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 12 मिनट बाद आपकी घड़ी में 3:30 बजे होंगे, तो अभी फ़िलहाल टाइम क्या है, तो आप कहेंगे सर मेरी घड़ी में 3:18 हुए हैं, यही तो कहेंगे। इसका मतलब क्या है कि लड़के और पिताजी की मुलाकात 3:18 पर हुई। पिताजी चले कितने बजे थे बेटा, 2:30 बजे। तो पिताजी द्वारा कितना समय चला गया, तो देखो 2:30 से पहले 3 बजे होंगे, 30 मिनट, और 18 मिनट वो और आगे चला, तो अल्टीमेट कितने मिनट चले पिताजी, 48 मिनट। बहुत सुंदर। जब दूरियां समान हों, तो आपको हमने बताया था कि यहाँ हमको टाइम लेना होता है और ये हमारी स्पीड है, यही हुआ। तो अब अल्टीमेट मुझे बताओ कि पिताजी ने, यानी फादर ने, वह दूरी कितने मिनट में तय की, 48 मिनट में, और लड़का जब उधर से इधर आता तो मात्र कितनी देर लेता, 12 मिनट लेता। तो आप कहेंगे सर सन द्वारा ये होता 12 मिनट, तो मेरे बच्चे आप टाइम को अपोजिट कर देंगे, ये 12 हो जाएगा, तो इसकी चाल होगी 38।
कैंसिल कर दो तो एक अनुपात कितनी हो जाएगी, चार। लेकिन जो एक है यानी फादर की जो चाल एक है वो एक नहीं है बेटा, कितनी है, छः है। यानी कि जब तुम इसे छः कहोगे तो चार वाले को कितना कहना पड़ेगा आपको, 24 किलोमीटर पर आवर। बात समझ रहे ना, पहले स्क्रीनशॉट लो फिर एक बार समझाता हूँ जी। समझ लो, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसमें सब कुछ लगाना पड़ेगा आपको अपना दाग पर। मैं दोबारा से इसे ड्रॉ करके ही बताऊंगा क्योंकि बहुत बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे और हो सकता है कि बहुत बच्चों ने क्वेश्चन पहली बार ही देखा हो। लेकिन बेटा मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़िए, जितना भी संभव है किताबें ज़्यादा पढ़िए, आपको सवाल मिलते रहेंगे। होम से आदमी चलता है और ऑफिस जो डेली मिलता है, जो डेली का टाइम है, ठीक है ना, डेली टाइम है 3:30 बजे। लेकिन सडन एक दिन क्या हुआ कि उनके पिताजी ने ऑफिस कितने बजे छोड़ा, 2:30 बजे। बात समझ रहे हैं, वही तरीका है। मैंने कहा पिताजी यहाँ से इस तरीके से चलना प्रारंभ हुआ, मैंने कहा यहाँ मुलाकात हुई, लड़का इधर से गया वापस आ गए, चलो जी यहाँ से, और आज यूजुअली वो 24 मिनट पहले पहुँच गए। तो आपको समझना पड़ेगा कि वो 24 मिनट क्यों बचे, क्योंकि बेटा लड़के के दो टाइम सेव हुए, एक यहाँ से यहाँ तक जाने का और एक यहाँ से यहाँ तक वापस आने का। तो आने और जाने के अगर 24 मिनट हैं तो आने आने के कितने होंगे, 12 मिनट। यानी कि वो लड़का यहाँ से यहाँ तक 12 मिनट में पहुँच सकता था और यहाँ से यहाँ तक 12 मिनट में वहाँ जा सकता था। तो मैंने कहा कि जब वो लड़का यहाँ से और इस जगह पर पहुँचता और कितने मिनट में पहुँचता बेटा, 12 मिनट में, तो उसकी घड़ी में कितने बज चुके होते, 3:30। तो मैं यही तो कहूँगा कि इस जगह मुलाकात हुई थी 3:18 पर, 18 मिनट पर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी 3:18 से अगर वो यहाँ आगे की ओर बढ़ता तो उसकी घड़ी में 3:30 बज चुके होते। तो अब सवाल ये कहता है, पापा का टाइम पापा की स्पीड, ठीक है ना, और बेटे का टाइम बेटे की स्पीड। बेटा तो पहुंच जाता 12 मिनट में, लेकिन पापा कितने बजे पहुंचे, 3:18 पर, चले कितने, 2:30 पर। तो पापा कितने मिनट में पहुंचे, 48। दूरी वही है तो चालों व्युत्क्रमान हो जाती हैं, ये 12 होगा ये 48, दोनों की चालों का अनुपात 1:4 हो गया। जब पापा 6 हैं तो 6 गुना है और बेटा 6 होगा तो 6 क्या हो जाएगा बेटा, 24 किलोमीटर पर आवर। यानी कि पुत्र की चाल कितनी होगी, 24 किलोमीटर पर आवर। स्क्रीनशॉट ले लो, बार बार रिवाइज करना, बार बार सुनना कि मैंने इस क्वेश्चन में क्या बोला और क्या कहा। बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा सवाल बेटा। ये क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, ये यूपी पुलिस सन 2018 के जून वाले पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था, सुबह से हम दोनों सेट में ये क्वेश्चन आया था। बहुत बढ़िया सवाल था, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बड़ा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी बड़ी थी कि बच्चे डर गए थे। सवाल ये है कि एक जहाज़ में किनारे से 20 किलोमीटर दूर रिसाव शुरू हो जाता है, रिसाव के बावजूद जहाज़ किनारे की ओर 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से आगे बढ़ने में सक्षम है, हालांकि जहाज़ केवल 23 मिनट तक ही जल प्लावित रह सकता है। जल प्लावित रहने का मतलब है जल के ऊपर रह सकता है, ठीक है ना। अब एक बचाव नौका किनारे से x किलोमीटर पर घंटे की चाल से जहाज़ की ओर जाती है या भेजी जाती है, जबकि नाविक एवं यात्रियों को बचाने में 8 मिनट का समय लग जाता है, यानी कि जब उनको बचाया जाता है तो उनको 8 मिनट में बचाया जाता है। अब इसके बाद में बताएं बचाव नौका की गति यानी कि x का मान क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल है, चीज़ों को समझना है। देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 8 मिनट। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिरकार उन 8 मिनटों का यूज़ कैसे हुआ होगा। तो आप जानते हैं अगर जल में दो जहाज़ आपस में मिलके एक दूसरे को बचाव चलेंगे तो जो जहाज़ हैं दोनों नौका हो या कोई भी रोकना पड़ेगा उन्हें। ऐसा नहीं कि चलते चलते आदमियों को तो बाद अब कोई फ्यूल तो भर नहीं रहे तो पाइप इधर उधर हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं तो 2-4 मछलियों का निवाला बन जाएंगे। इसका मतलब क्या है, अल्टीमेटली आपको समझना होगा बेटा कि हमें जो बिटवीन डिस्टेंस है उस बिटवीन डिस्टेंस में बेटा S1+S2 का भाग देंगे तब टाइम निकल के आएगा। अब पूछो क्यों, क्योंकि पानी का जहाज इस तरफ बढ़ रहा है और नौका उसकी तरफ बढ़ रही है, तो दोनों विपरीत चाल से रिलेटेड ही हैं। अब आप ये टाइम के बारे में क्या जानेंगे, डिस्टेंस के बारे में क्या जानेंगे और S1 SP के बारे में क्या जानेंगे, या दूसरा केस ये है कि आप इनको इस तरफ ले जाओ
तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि बीच की डिस्टेंस बराबर क्या होगा, एस वन प्लस एस टू, और गुणा क्या हो जाएगा बेटा टाइम। कोई भी कंसेप्ट है कहीं भी लगा लो, सवाल एक ही है। अब दोनों के बीच की दूरी कितनी, 20 किलोमीटर। 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल किसकी है, जहाज की जो पानी में डूब सकता है, और माना एक्स की चाल से वो गया। अब 15/60 कर रहा हूँ, आप कहेंगे सर मिनट तो 23 थी, 15 क्यों रह गई। भाई जो 8 मिनट उन्हें बचाने में लगे थे बेटा वो डिफ्यूज हो गए, वो बेकार हो गए। अब बचे कितने मिनट, 15 मिनट। तो मैं यही कहूँगा कि 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वो इधर चला और ये x किलोमीटर पर घंटे की चाल से इधर चला, और इनके द्वारा 15 मिनट में तय की गई कुल दूरी कितने किलोमीटर है, 20 किलोमीटर। तो देखो 15 से यहाँ मैं काट दूंगा इसे कितने बार, 4, तो 20 चौक क्या हो जाएगा 80, और 80 बराबर हो जाएगा 12 + x, और 12 इधर आ जाएगा तो 68 बराबर क्या हो गया x, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि x का मान क्या है। तो आपकी चाल आ जाएगी बेटा कितनी, x किलोमीटर पर आवर वाली जो चाल है वो कितने किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, 68 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यहाँ के बाद इसमें एक दो क्वेश्चन और भी बाकी हैं, बाकी की चीज़ें हम फिर आगे पढ़ेंगे, अब आपका रिव्यू इस पर तय करेगा। ठीक है ना, और मैं मिलूँगा अब एक नए सेशन के साथ में। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, तो आप इसे देखिए, इंजॉय करिए, मस्ती करिए। फिर मिलूँगा कल आपके साथ एक नए सेशन के साथ। थैंक यू, और आप सब अच्छे रहें, खुश रहें।